अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो ये से ठीक है आपकी आपका होस्ट हमाद अली शाह, जो कि अली शाह फ्राम सांगला चैनल से आपके सामने हाजिर है। आज बेसिकली मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक पॉइंट लेकर के, जो कि हमारे आजकल गवर्नमेंट की तरफ से दो पैकेज अनाउंस हुए हैं, जिनमें एक पैकेज अनाउंस हुआ है जो कि बेरोज़गारों के लिए, और दूसरा पैकेज जो अनाउंस हुआ है वो बेसिकली है मतलब राशन पैकेज जिसको हम कह रहे हैं। इन दोनों की मैं आपको डिटेल दे देता हूँ ताकि आप कभी किसी को भी कोई परेशानी ना हो और किसी को भी किसी किस्म का कोई भी इस तरह का मामला दरपेश ना आए कि आपको भी किसी के पास जाना पड़े। ये हर चीज़ ऑन मेरिट हो रही है और इंशाल्लाह ताला ये बगैर किसी भी ही सूझबूझ के, मतलब कि एक बंदा वट एवर नून लीग का है, काफ लीग का है, जिस भी पार्टी का है, जो भी बंदा पाकिस्तान का शहरी है, जो भी बंदा जिसका पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, वो इस चीज़ का अहल है। इन दोनों की डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। पहले है जो कि एक आया है बेरोज़गार स्कीम। बेरोज़गार स्कीम जो है वो बेसिकली यूनियन काउंसिल लेवल पे आई है और उसमें ये क्या है कि उसमें चार एक बंदा हर बंदा वो एलिजिबल है जिसकी आमदनी 20,000 से कम है, और जिस बंदे की 20,000 से आमदनी कम है और वो बंदा किसी भी पार्टी का है, उसका उससे कोई सरोकार नहीं, वो जस्ट जाए और वो फॉर्म जो है वो अपलोड करें, नेट से डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद उसको जो कि उसका फॉर्म अपने मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको चार बंदों के पास अथॉरिटी है, जो बंदा इसको वेरीफाई करेगा उनमें पहले नंबर पर है आपका पटवारी, आपके गाँव का पटवारी। के बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है हेडमास्टर स्कूल का, आप उससे वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर हेडमास्टर से तस्दीक करने के बाद यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी है, और एट द लास्ट चौथा नंबरदार, इनमें से आप वेरीफाई करवाएं, इनको वेरीफाई करवा के आप इसको उस प्रॉपर एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर दें। और ये है जो पहला तरीका था। दूसरा जो तरीका है जो कि राशन के बारे में, उसके वाले जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले ऑन ईयर आकर बताया था कि एक टाइगर फोर्स बन रही है, टाइगर फोर्स जो कि बन रही है, जिसकी रजिस्ट्रेशन कल से होगी। वो रजिस्ट्रेशन जो होगी वो सिटीज़न पोर्टल एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर आप जाएँ और सिटीज़न पोर्टल के नाम से एक वेबसाइट है, उसको आप डाउनलोड करें, उसको डाउनलोड करें, उसके ऊपर फॉर्म जो है वो डिजिटल फॉर्म तैयार हो गया, वो फॉर्म के ऊपर जाकर आप अपना ईजिली जो भी बंदा चाहता है कि मैं गरीबों की मदद करूँ और टाइगर फोर्स का हिस्सा बनूँ, वो जाकर उसके ऊपर अपना ऑनलाइन जाके अप्लाई करें, वहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट दे, ज़िला दे, यूसी लेवल तक जाए और अपना टोटल फॉर्म को फिल करने के बाद उसको अपलोड कर दे। उसके बाद मेरिट के ऊपर उसकी सिलेक्शन होगी और तहसील लेवल पर ऊपर वार्ड से शुरू होगा, म्यूनसिपल कमेटी की वार्ड, और देन फिर उसके बाद यूसी लेवल पर जाएगा। यूसी लेवल के बाद फिर ये तहसील में एक विंग कमांडर होगा, जो तहसील का विंग कमांडर होगा वही मतलब सबको ये कंट्रोल करेगा और सबको गाइडलाइन करेगा। पहले सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद जो भी मुस्तहिक लोग होंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेज है राशन की स्कीम और राशन उन तक पहुँचा दिया जाएगा। वो सर्वे होने के बाद गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में DCO AC और जो भी मतलब गवर्नमेंट के होंगे जिनकी ड्यूटी लगेगी वो साथ जाएंगे, और ये टाइगर फोर्स के बंदे उनके साथ होंगे, और जो सर्वे किया होगा उन्होंने उस सर्वे में जो मुस्तहिक होंगे उन तक राशन की तरसील कर दी जाएगी। इसमें मेरी आपसे दरख्वास्त है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई किसी भी डेरे पर ना जाएं, किसी भी सियासतदान के सामने आपको हाथ जोड़ने की या किसी भी वर्कर की मिन्नत और समाजत करने की जरूरत नहीं। ये सारा निज़ाम में शफाफियत है, डिजिटल दौर आ गया। आप अपने मोबाइल पर सिटीजन पोर्टल को ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर आप प्रॉपर अपना खुद अपना करें, और किसी के सामने आप ये ना कहें कि भाई मेरा करवा दे, ये ना करवा दे, और किसी भी ठग और किसी भी दो नंबर बंदे की बात में ना आए और किसी बंदे को एक रुपया भी राशन के नाम पर या बेरोजगारी के नाम पर ना दें। मेरी आपसे यही इल्तमास है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और मेरी अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो आप उसको कमेंट में मुझे मज़ीद इसमें आप बता सकते हैं, और अगर आपके पास अगर इससे इसके टॉपिक के मतलब कोई बात है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे